हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम आपको दिखाएंगे गिरी सोना का मालिश कैसे करना है। वैसे हमने बहुत से वीडियो में दिखाया है कि गिरी का मालिश हम कैसे करते हैं, लेकिन हमें लगा और एक बार आप सबको दिखा देते हैं। तो देखिए, हम सब आ गए हैं धूप में, क्योंकि गिरी को हम स्नान के बाद ही मालिश करते हैं। वैसे स्नान से पहले हम इत्र से थोड़ा सा मालिश करते हैं, लेकिन स्नान के बाद उन्हें अच्छे से मालिश करते हैं। तो चलिए अब हम पहले गिरी का मालिश कर लेते हैं और आप सबको दिखाते हैं कैसे गिरी का मालिश करना है। ठीक है, तो चलिए देखते रहे। हमेशा एक बातों का ख्याल रखिए कि विंटर के टाइम अगर हम धूप में मालिश करते हैं तो ये अच्छा होता है, और इसमें ठाकुर जी को भी बहुत आराम मिलता है क्योंकि वो धूप में है। तो चलिए ये देखिए, हम यहाँ इत्र लेकर आए हैं, तो इसी से हम ठाकुर जी का मालिश करेंगे। ये बेल इत्र है, तो जैसे रोज, बेल, ये इत्र हम किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं, मतलब सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं, विंटर में, गर्मी में, दोनों में ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम गिरी का फेस मालिश करेंगे, मतलब चेहरे का मालिश कर लेते हैं। पहले उनके सर से शुरू करके गाल तक, ऐसे नाखों को भी मालिश कर लीजिए, और ऐसे नाखों के नीचे वाला हिस्सा बहुत ही अच्छे से हम मालिश करेंगे। इस उंगली को यूज ना करें, वही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बल प्रयोग किया जाता है। हमारे गिरीश होना, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही कोमल से होते हैं, इसीलिए उन्हें इस उंगली से बल प्रयोग ना करें, बस इस चारों उंगली का यूज करें और ठाकुर जी का मालिश करें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ इत्र ले लेते हैं हाथों में और फिर से इनका अच्छे से मालिश कर लेते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, आप हमेशा कोशिश करिए कि लड्डू गोपाल जी का मालिश आप कर पाए। ऐसा नहीं है कि बस सर्दियों में ही हम लड्डू गोपाल जी का मालिश करते हैं, ऐसा भी है कि हम हमेशा ही हम लड्डू गोपाल जी का मालिश कर सकते हैं। इसीलिए तो हर सीजन के लिए ही हमें इत्र मिल जाता है ना। तो चलिए, फेस का मालिश तो हमने कर लिया, इसके बाद हम करेंगे कंधे का मालिश। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी का फुल बॉडी मालिश कैसे करना है। किसी ने हमसे क्वेश्चन किया था कि दीदी, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे से हैं, तो उनका मालिश कैसे करें? तो देखिए, अगर छोटे से हैं तो इस उंगली का यूज करें और हल्के हाथों से अपने छोटे से लल्ला का जो मालिश होता है वो कॉम्प्लीट करें इन चारों उंगलियों से। अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि छोटे से लल्ला का मालिश भी आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी तो है ना गोपू सोना, मुकुंद सोना, तो हम दोनों को ही दिखाएंगे कैसे आपको उनका भी मालिश करना है। ऐसे हल्के हाथों से पीठ पर भी मालिश करें ठाकुर जी का, और बहुत ही अच्छे से उनके हाथों का, दोनों हाथों का मालिश करें। ऐसे ताकि ठाकुर जी को आराम लगे, ये आपको थोड़ा ख्याल रखना है। जैसे हम एक छोटे से बच्चे को मालिश करते हैं ना, सेम उसी तरह ठाकुर जी को भी मालिश किया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे का शरीर कोमल होता है, उस छोटे बच्चे के शरीर से भी ठाकुर जी का शरीर और भी कोमल होता है। इसीलिए हमेशा ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर से और आराम से मालिश करना चाहिए, ताकि ठाकुर जी को कोई दिक्कत ना हो। हमेशा उन्हें हल्के हाथों से ही पकड़ना चाहिए, हल्के हाथों से ही गोदी में लेना चाहिए, ताकि उन्हें बिल्कुल भी कष्ट ना हो। वैसे ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी भक्त का भाव बड़ा होता है उनके पास। तो चलिए, यहाँ हम गिरी को सुला रहे हैं, क्योंकि अब उनके पैरों का भी मालिश करना है। तो ये देखिए, अब हम गिरी के पैरों में आ गए हैं और अब हम गिरी का जो पैर है इसे मालिश कर लेंगे। तो इसे मालिश करने के लिए हम ऐसे दोनों हाथों का यूज करेंगे, दोनों हाथों का ही यूज करेंगे, इसीलिए हम ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से मालिश कर देंगे गिरी का अच्छे से।
ये हमने एक पैर को मालिश कर लिया। इसके बाद हम गिरी को पलट देते हैं धीरे से, और गिरी का जो ये वाला पैर है इसे भी हम मालिश कर लेंगे। तो ये देखिए, इस वाले पैरों को भी हम अच्छे से मालिश कर लेंगे। एकदम अच्छे से मालिश कर लेंगे। अब कैमरे के सामने तो हम गिरी को ये नैपी नहीं खोल सकते, लेकिन अगर आपके लड्डू गोपाल जी आपके पास मालिश कर रहे हैं तो उनका नैपी भी आप खोलकर उन्हें अच्छे से फुल बॉडी मालिश कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लल्ला है, इसीलिए हम इन्हें गोदी में लेकर भी अपना जो मालिश का प्रोसेस है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हमारा मालिश का प्रोसेस तो कम्प्लीट हो गया, हमने गिरी का अच्छे से मालिश कर दिया। अब उन्हें ड्रेस पहना देते हैं। चलो गिरीशोना, उठ जाओ उठ जाओ। ये गिरीशोना उठ गए। अब उन्हें हम ड्रेस पहना देते हैं। देखिए गिरीशोना कितने खुश लग रहे हैं और कितने प्यारे से लग रहे हैं देखने में। तो चलिए अब हम गिरी को ड्रेस भी पहना देते हैं, क्योंकि अभी तो गिरी का स्नान हो चुका है, तो स्नान के बाद ही हम गिरी का मालिश कर रहे थे। अब हम उन्हें ड्रेस पहना देते हैं। तो ये देखिए, आप सबके प्यारे गिरीशोना कितने प्यारे से लग रहे हैं और कितना सुंदर सा मुस्कान दे रहे हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई अपने गोपाल जी का ऐसे ही मालिश कर पाए। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे कि छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी का भी आप मालिश कैसे कर सकते हैं। तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको जरूर दिखाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हर रोज गिरी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए और ऐसा ही कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते सब लोग गिरीशोना को थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।